शायद ये वीडियो देखकर आप हैरान हो रहे हो, ये सभी कितनी बेबाकी से किसी शटर को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैरान करने वाली बात ही है, क्योंकि देखते ही देखते इन सभी लड़कों ने लखनऊ के सरोजनी नगर से करीब 40 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया है और अब पुलिस इनकी खोजबीन में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मामला लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां गंगानगर अमौसी रोड पर बने प्रतीक ज्वेलर्स की दुकान में करीब दर्जन भर चोरों ने रात करीब 2 बजे धावा बोल दिया। इस दौरान चोरों ने करीब 14 किलो चांदी और 400 ग्राम सोने पर हाथ साफ किया है। वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर चोर नाबालिग हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक आरोपी बार बार सड़क पर जाकर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रख रहा है। एक बार को तो सारे चोर शटर छोड़कर खड़े भी हो गए, लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि वो सेफ हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा तो वापस अपनी कारिस्तानी में जुट गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोरों ने कैसे ज्वेलर की दुकान का ताला ना टूटने पर शटर उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि लगातार उस रास्ते से वाहन आ जा रहे हैं, पर किसी की भी नजर चोरों के इतने बड़े गिरोह पर नहीं पड़ रही। इस घटना के बाद से व्यापारियों में काफी गुस्सा नजर आया। वहीं व्यापारियों ने एक क्षेत्र में गश्त की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस के गश्त ना करने से चोर इतने बेखौफ हो गए हैं, जो उन्होंने सीसीटीवी लगा होने के बावजूद बिना उसे छेड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक चोरों के हुलिये से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सभी चोर मौकाए वारदात के आसपास ही रहते हैं। फिलहाल चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। वहीं अब लोगों ने जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने की मांग की है, ताकि ये चोर ऐसी किसी और घटना को अंजाम न दे पाए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर इस खबर से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।